हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्मनी आईएएस एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टैटिक्स। इसमें बहुत सारे टाइप का सवाल पूछे जाते हैं। जो हमारे जो क्लास स्टार्ट होगी, लाइव क्लास, वो 25 तारीख से स्टार्ट होगी, जो सर ने अनाउंस किए हुए हैं। आज मैं आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊँगा, एक दो क्वेश्चन आपको जाएगी वीडियो यहाँ से बन के, एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस जाएगी यहाँ से करवा दूंगा मैं आपको। और आपको मैं एक भी बीपीएससी का क्वेश्चन स्टैटिक्स का छूटेगा नहीं, मैं सब क्वेश्चन करवा दूंगा बारी बारी से, ठीक ना। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन को हम जानते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। हाँ, खास करके एक बात और सुन लीजिए, स्टैट के क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है, सिर्फ उसका जो ग्राफ रहता है उस ग्राफ को समझना रहता है। और ग्राफ को जो ही आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 5-6 क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, आसानी से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए पहले हम ग्राफ की ओर चलते, एक बार ग्राफ की एक झलक देख लेते हैं। ग्राफ में क्या दिया गया है, तो ग्राफ में यानी कि वाई एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, यानी वर्टिकल को वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस। इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर आएगा इधर आएगा तो माइनस में और नीचे जाएगा तो माइनस में वाई का मान। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा, खास करके यहाँ पर स्टैटिक्स में आपको वाई का ही मान दिया रहेगा और एक्स का ही मान दिया रहेगा। और आपको यहाँ पर जो दिया गया है सो 0 से लेके 100 तक दिया गया है मान, और वह 1000 में दिया गया है। कहने का मतलब 0 से 100 तक मान दिया गया है, 1000 में दिया गया है। यानी कहने का मतलब यहाँ से 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 और 100,000, यानी 1,00,000। और इधर जो एक्स की तरफ जो दिया गया है, यानी कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में जो दिया गया है वो वर्ष में दिया गया है, वर्ष दिया गया है जिसमें 2011 से 16 तक। तो सवाल में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कहता है कि महाराष्ट्र के एक शहर में यातायात का मुख्य साधन कार है, कार जो है मुख्य साधन है यात्रा करने के लिए। लेखा चित्र में जनसंख्या वृद्धि तथा कार प्रयोग करने की वृद्धि को 2011 से 16 तक के लिए दर्शाया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए सवालों को जवाब दीजिए। आप थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ आपका है, ये ग्राफ आपका यहाँ पर देखिएगा थोड़ा इस यहाँ पे, ये वाला नीचा वाला जो सबसे नीचे वाला जो ग्राफ है वह महिला की जनसंख्या, ये महिला की जनसंख्या को डिनोट करता है, महिला की जनसंख्या को, महिला की जनसंख्या को। जनसंख्या को बीच वाला ग्राफ है यह कार की जनसंख्या, सॉरी कार की संख्या को, कार की संख्या को। और ऊपर वाला जो ग्राफ है वो पुरुष की जनसंख्या को डिनोट कर रहा है, यानी दर्शा रहा है जनसंख्या को दर्शा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, यानी कहने का मतलब 2011 में पुरुष महिला की जनसंख्या कितनी थी, तो यहाँ देखिए 10 और 20 के है, यह जो है पॉइंट 10 और 20 के बीच में है, यानी यह पॉइंट यानी कि 15,000। यानी 2011 में महिला की जनसंख्या कितनी थी, 15,000, और कार की संख्या कितनी थी, 30,000। इसी प्रकार पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, तो 50,000, ठीक है। इसी प्रकार आगे भी आप ऐसे दिया गया है, और इस पर हम सवाल दिया गया है, 5 से 6 क्वेश्चन दिया गया है, इसका 5-6 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बारी बारी से। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन आपको एक बार और बता देते हैं, यह क्वेश्चन जो है 63वीं जो हुआ था, 63वीं बीपीएससी का एग्जाम, वो मेंस एग्जाम में पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है 2014 में यदि कुल कार का 30% प्रयोग महिला ने किया तो प्रति महिला कितनी कार का प्रयोग 2014 में किया। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप ग्राफ के अनुसार पहले देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, देखिए यहाँ से ग्राफ के अनुसार आप 2014 में आ जाइए यहाँ, इसमें कार की संख्या 75,000। 2014 में कहेंगे, ग्राफ के अनुसार 2014 में कारों की कुल संख्या बराबर 75,000 है।
75,000। 2014 में कारों की कुल संख्या कितनी थी तो 75,000। 2014 में कारों की कुल संख्या कितनी थी तो 75,000। अब सवाल में क्या कह रहा है, 2014 में यदि कुल कार का 30% प्रयोग महिला ने किया, तो यहाँ से अगर बात हमको कहेंगे, अगर दो यहाँ से देखिएगा, 2014 में महिला द्वारा कार का प्रयोग, महिला द्वारा कार का प्रयोग बराबर किसका, यानी 75,000 का 30%, यानी कुल था 14 में 75,000 कार और इसका 30% यूज किया महिला, यानी कितना यूज किया है। कहने का मतलब 3×5=15, 3×7=21, 22, यानी कि 22,500। 22,500 जो कार का यूज कौन किया है, महिला। कितना महिला, 2014 में महिला की संख्या कितनी थी तो 2014 में यह महिला का ग्राफ, तो महिला का नीचे वाला ग्राफ है तो महिला का ग्राफ देखिए, 2014 में महिला की संख्या कितनी थी तो 60,000। तो 2014 में महिला की कुल जनसंख्या बराबर जनसंख्या कितना था तो 60,000। कुल जनसंख्या 60,000। और आपसे पूछ रहा है क्या, जो प्रति महिला यानी एक महिला ने कितनी कारों का प्रयोग किया 2014 में, तो यहाँ से कहिएगा, चूँकि 60,000 महिला पर कितना कार है, टोटल कार है 22,500, यानी कहेंगे 60,000 महिला पर 22,500 कार है इसीलिए एक महिला पर कितना होगा, तो एक महिला का ही निकालना था, प्रति महिला का मतलब एक महिला पर कितना कार, तो 22,500 बट्टा 60,000। यहाँ से 000 काट दीजिए, ये 9 times 25 से काटिए, इसको भी 25 से काट दीजिए, 25 दूना 50 10 बचा ना, तो 2500 यानी फिर 3 times काटिए, तीन टाइम्स इसको 8 times 3 से, यानी कितना 3/8 कार। यानी कहने का मतलब इस सवाल में जो हमको आंसर मांग रहा था, प्रति महिला पर कितनी कार का प्रयोग 2014 में किया गया, यानी एक महिला, यानी कि 60,000 महिला पे 22,500 कार, तो एक महिला पे कितना, तो 22,500 को ऊपर, इसको ऊपर और महिला को नीचे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ना एक महिला का मान निकलेगा, इसलिए इसको नीचे रख के काट के जो मान आएगा उतना कार निकला, यानी एक महिला पर 3/8 कार का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इसी ये क्वेश्चन को इसी प्रकार देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि देखिए, अवधि 2011 से 16 के लिए कारों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। देखिए यहाँ सवाल में कुछ दे रखा है क्या, सीधे प्रतिशत वृद्धि नहीं पूछा है, औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। पहले आते हैं 2011 में, ग्राफ के अनुसार देखेंगे 2011 में कार की संख्या कितनी थी, बीच वाला ग्राफ को देखिए, 2011 में कार की संख्या कितनी थी तो 30,000 थी, तो लिख लेते हैं 2011 में कार की संख्या बराबर कितना, तो ग्राफ में कितना था तो 30,000। और 16 तक के लिए पूछा गया, तो 16 में देखिए कार की संख्या कितनी थी, यानी कार की संख्या कितनी, यहाँ से देखिए, यानी कि 90,000। 2016 में कार की संख्या बराबर 90,000। एक बात हमको यहाँ से बताइए, कुल वृद्धि कितना हुआ, कहेंगे 2011 से 16 के रुक दिए हैं हम बीच ना हो 2011 से
16 के बीच कुल वृद्धि बराबर कुल कितना का वृद्धि हुआ, तो हो गया 16 में हो गया 90,000 और 11 में था 30,000। ये दोनों का अंतर कितना वृद्धि हो गया, 60,000 का वृद्धि। कितना हो गया, 60,000 का वृद्धि। 2011 से 16 के बीच 60,000 का वृद्धि हुआ। यहाँ से प्रतिवर्ष, चूँकि इसलिए प्रतिवर्ष औसत वृद्धि बराबर कितना होगा। यहाँ पर प्रतिवर्ष यानी एक वर्ष में कितना औसत वृद्धि हुआ वह निकालना है। यानी यहाँ से 11 से 16 के बीच जो हुआ टोटल इतना हुआ, तो औसत वृद्धि निकालने के लिए कितना वर्ष, यानी 11 से 16 के बीच में 5 वर्ष, यानी कि 60,000 बटा क्या 5, यानी 5 वर्ष का निकाल रहे हैं, 5 वर्ष का निकाल रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, 5 से औसत निकालने के लिए 5 से भाग दे दीजिएगा टोटल 60,000 में। तो कितना हो गया यहाँ से 12,000। यानी कहने का मतलब यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा, 11 से 12 12,000 का वृद्धि, फिर 12 से 13 12,000 का वृद्धि, 13 से 14 12,000 और 14 से 15 12,000 और 15 16 भी 12,000। इसी को औसत वृद्धि कहेंगे। अब इसी प्रकार आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि प्रतिशत औसत वृद्धि निकालें, तो प्रतिशत इसी प्रकार प्रतिशत औसत वृद्धि बराबर होगा, औसत वृद्धि बराबर होगा कितना का औसत वृद्धि हुआ, यानी कि 12,000 का। कितना पर, यानी पहले वाला, यानी जितना 2011 से ना हुआ है वृद्धि, तो 11 पर 30,000 पर 12,000 का औसत वृद्धि, तो 100 पर कितना प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। यहाँ से काट लीजिए 3 का 3 और यहाँ से 30 चौके 12,000 60। ऊपर भी 3 को 0 था और नीचे भी 3 को 0 काट लिए, तो ऊपर आप 12 ये ना बचा था, नीचे 30 बचा था, तो 6 दुना 12 और 6 पंचे 30, इसको 5 टाइम्स 5 से काट दीजिए 100 को, तो 20 कट गया, यानी 20 दुना कितना 40%। यानी कहने का मतलब 2011 से 16 के जो बीच जो होगा औसत प्रतिशत वृद्धि कितना का होगा, 40% का होगा। इसी प्रकार आगे सवाल देखते हैं हम लोग, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि उस वर्ष को ज्ञात कीजिए जिस वर्ष पुरुष और महिला का अनुपात सबसे अधिक था। कहने का मतलब पुरुष और महिला का जो अनुपात, किस वर्ष अनुपात सबसे अधिक होगा, वही पूछ रहा है। तो यहाँ तो सबसे पहले हम ग्राफ में ही देखेंगे, तो लिखेंगे ग्राफ के अनुसार 2011 में देखिए नीचा वाला महिला का है और ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पुरुष की जनसंख्या है। तो नीचा वाला 2011 में यानी महिला कितनी थी, तो महिला 15,000 थी और पुरुष कितना था, तो पुरुष था 50,000। यानी कहेंगे ग्राफ के अनुसार पुरुषों एवं महिलाओं के बीच अनुपात 2011 में कितना था, तो महिला थी 15,000, पुरुष है 50,000 और महिला कितना है 15,000। महिला कितना है 15,000। अनुपात का मतलब होता है भिन्न, अनुपात का मतलब क्या होता है भिन्न, यानी जो पहले आएगा उसको ऊपर, जो बाद में आएगा उसको नीचे। चलिए काट दीजिए, यहाँ से काट दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम भाग दे देते हैं और दशमलव के रूप में ले आते हैं। डायरेक्ट तो कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा, तो इसको दशमलव के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो देखिए इसमें भाग दीजिए तो 15 तो क्या होगा 45, इसके बाद आपको 5 बच गया, बचा ना, तो 5 बच गया दशमलव, इसके बाद 5 पे एक जीरो बैठेगा तो 50, फिर 15 तो 45, इसी प्रकार आगे भी होगा 3 भी, फिर 5 बचा फिर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 2012 में देखते हैं, 2012 में पुरुष की संख्या कितना था 70,000 था, तो पुरुष की संख्या था 70,000 और महिला की संख्या कितनी थी, महिला की संख्या 30,000। डबल से डबल जीरो, ये भी कट गया, यानी 7/3, यानी कितना होगा, भाग दे दीजिए इसमें, तो 3 दुना 6 कितना बचा, 1 बचा 3 तिया 9, 1 बचा फिर 3 तिया 9, यानी कि 2.33।
इसी प्रकार निकाली 2013 में। 2013 में कितना है, तो 2013 में कितना है, महिला है 40,000 और पुरुष कितना है, पुरुष है 80,000। यानी महिला है, पुरुष को पहले पुरुष कर लेना है, पुरुष है 80,000 और महिला है 40,000। इसको काटिएगा तो दो हो जाएगा, दो टाइम्स कट जाएगा। इसी प्रकार 2014 में निकाल लीजिए, 2014 में पुरुष कितना है, तो पुरुष ऊपर वाला ग्राफ यानी कितना 85,000, 85,000। और महिला कितना है, 2014 में महिला कितना, तो महिला हो जाएगा कितना नीचे वाला ग्राफ ये यानी 60,000, 60,000। 000 कट गया ऊपर नीचा, और यहाँ से 17 × 85 कहेंगे, 12 × 60 कहेंगे, और 12 से भाग दीजिए, यहाँ से 12 × 12 कितना बच गया, 12 × 5 तो 12 × 48 दो बच गया, 12 × 12। ठीक, चलिए इसी प्रकार 15 का भी निकाल लीजिए। 15 में निकालिएगा तो 15 में कितना, यानी 15 में महिला है, कहने का मतलब महिला 70,000 और पुरुष कितना 95,000, यानी कि 95,000 बटे 70,000। डबल से 000 ऊपर नीचे कट गया, यानी इसको 19 टाइम्स काटिए, 19 से कट गया, ये कितना से 14 से कटेगा, भाग दीजिएगा 14 × 14 कितना बच गया 5, 14 × 42। इसके बाद 14 × 42 और कितना शेष बच गया, 14 × 14 5, इसके बाद 14 × 42, इसके बाद 8 शेष बच गया, 14 × 75 यानी कि 1.335। इसी प्रकार 2016 का भी निकाल लीजिए, 2016 में पुरुष और महिला की अनुपात कितना होगा, तो यहाँ से देखिए पुरुष हो गया आपका 1,00,000 यानी 100,000 बट्टा, महिला कितना हो गई, महिला कितना, तो महिला का ये ग्राफ है तो महिला देखिए कितना हो गई 85,000, महिला कितनी 85,000। ट्रिपल 000 कट गया, ठीक, 20 से इसको काटिए तो 20 × 5 = 100 और 17 × 5 = 85, यहाँ से भाग दीजिएगा इसमें तो दीजिए कितना होगा, 17 × 17 3 बच गया, फिर 17 × 2 = 34 तो नहीं लगेगा, 17 × 17 ये लगाइए, फिर 13 बच गया तो 17 × 7 कितना 119 यानी 1.17। कहने का मतलब इसमें हमने देखा सब वर्ष का जो हम अनुपात निकाले महिला पुरुष और महिला के बीच, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, जो आप भागा देने के बाद जो मान सबसे अधिक है वह सबसे बड़ा अनुपात होगा, और जो मान सबसे छोटा है वह होगा आपका सबसे छोटा अनुपात। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा अनुपात ये वाला है 3.33 वाला, सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा की बात करेंगे सबसे छोटा आपका हो जाएगा कौन, तो आपका हो जाएगा यही होगा छोटा, क्योंकि 1.1 है, ये 1.3 है, 1.4 है, ये 2 है, 2.3 है, सबसे छोटा कौन होगा, ये होगा, यानी 2016 का सबसे छोटा और 2011 में पुरुष की और महिला के जो अनुपात होगा सबसे बड़ा होगा। तो आपसे पूछ रहा था इसीलिए 2011 में पुरुष एवं महिला का अनुपात सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, अधिक होगा, यही आपसे पूछ रहा था। आपसे अगर न्यूनतम पूछता तो आप कहते 1.17, कब, 2016 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि वर्ष 2012 में 60% कार्य पुरुष द्वारा उपयोग की गई, तो 2012 में कार का प्रयोग करने वाले पुरुषों एवं महिला का प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले हम ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ में यानी ग्राफ के अनुसार, ग्राफ के अनुसार यानी ग्राफ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, ग्राफ के अनुसार 2012 में 60% कार्य पुरुष द्वारा उपयोग किए गए, तो 2012 में कार की संख्या कितनी थी, तो 2012 यहाँ पे है कार की संख्या बीच वाला यानी 50,000 था, तो 2000 कहेंगे यहाँ से 2012 में कुल कारों का संख्या बराबर क्या होगा, तो कितना दिया हुआ है ग्राफ में, तो 50,000। 2012 में कुल कारों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 50,000। अब आपसे कह रहा है कि यह जो है 60% कार पुरुष द्वारा उपयोग किया गया, यानी इस कार का 60% पुरुष ने उपयोग किया, तो कहेंगे यहाँ से 2012 में प्रयोग
किया गया कार, किया गया कार, यानी कुल कार का कितना परसेंट, यानी 60%, यानी कि कहेंगे 50,000 का कुल कार था 50,000 2012 में, इसका 60%, 60% कितना होगा, इसका 60% निकालिएगा कितना हो जाएगा, यानी कार दीजिए यहाँ से, यानी 6×5=30, यानी 30,000 कार का जो प्रयोग जो किया, कौन किया, पुरुष द्वारा किया गया है 30,000 कार का, तो कहेंगे यहाँ से कहेंगे महिला, महिला ने, महिला द्वारा किया गया कार का प्रयोग, महिला द्वारा किया गया कार का प्रयोग कितना होगा। आप कह सकते हैं कि टोटल कार था 50,000, जिसमें 30,000 पुरुष यूज कर लिया, तो महिला कितना करेगी, तो 50,000 माइनस 30,000, यानी कितना, 50,000 माइनस 30,000, यानी कि 20,000 जो कार हुआ वह कि कौन यूज की, तो महिला यूज की है 20,000 कार की। अब आपसे पूछ रहा है कि पुरुष और महिला का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रयोग जो किया था कार का, तो 30,000 तो पुरुष किया और महिला किया 20,000, लेकिन यहाँ पे ग्राफ में देखिएगा 2012 में, यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, कहेंगे 2012 में पुरुष की कुल जनसंख्या 2012 में कहेंगे पुरुष की कुल जनसंख्या कितनी होगी, 2012 का यहाँ है और इसमें पुरुष ऊपर वाला है, कितना था, 70,000 था कुल जनसंख्या, कितना था 70,000। थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं, पुरुष कितना था तो 70,000 था। इसी प्रकार 2012 का महिला भी ज्ञात कर लीजिए, 2012 में महिला की कुल जनसंख्या कितना था, महिला के कुल जनसंख्या कितना होगा, यानी नीचा वाला ग्राफ को देखिए 2012 में, यानी 30,000 थी। अब देखिए यहाँ से, अब हमको प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब, यानी कह सकते हैं यहाँ से, इसीलिए महिला पुरुष कह सकते हैं, इसीलिए पुरुष द्वारा कारों, पुरुष द्वारा प्रयोग कारों का प्रतिशत, प्रयोग कारों का प्रतिशत, प्रतिशत कितना होगा, यानी पुरुष द्वारा प्रयोग कारों का प्रतिशत निकालने के लिए पूछ रहा था और महिला का निकालने के लिए पूछ रहा था। पहले पुरुष को देख लेते हैं, तो पुरुष कितना, यानी पुरुष कितना था, टोटल पुरुष आपका, पुरुष की जनसंख्या यहाँ दिया हुआ है 70,000, यानी कि 70,000 में पुरुष में कितना कार का प्रयोग किया, 30,000। कहेंगे कि 70,000 जिस इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, कुल के रिस्पेक्ट में निकालना है, जितना प्रयोग किया है, कितना प्रयोग किया है, तो 30,000, तो 30,000 के ऊपर 70,000 कुल था पुरुष, उसमें 30,000 प्रयोग किया, यानी कहीं 70,000 पर 30,000 प्रयोग किया कार, तो 100 पर कितना प्रतिशत में बदलने के लिए 100 पर कितना, यानी 100 से गुना, 100% से गुना कर देंगे, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से कट गया, यानी कितना हुआ, 300/7, इसको काटिएगा तो कितना, 7 × 3 = 28, 2 बच गया, 7 × 7 = 14, फिर कितना बचा, 6 × 7 = 56, यानी 42.8% जब कुल पुरुष का 42.8% कार का यूज किया है। चलिए महिला कितना किया है, इसी प्रकार महिला का भी हम देख लेते हैं, इसी प्रकार महिला द्वारा प्रयोग कारों का प्रतिशत, कारों का प्रतिशत, प्रतिशत निकालना है कारों का प्रतिशत, तो कितना महिला थी, महिला कितना थी, यानी महिला की जनसंख्या कितना थी 2012 में, तो 2012 में कुल जनसंख्या 30,000 थी, 30,000 यानी कह सकते हैं, और महिला प्रयोग कितना कार को की थी, 20,000 का कार की प्रयोग हुआ महिला द्वारा, यानी कह सकते हैं 30,000 महिला पर, यानी 30,000 जिस पर उसको नीचा, 30,000 महिला पर प्रयोग कितना हुआ, तो 20,000 कार का प्रयोग हुआ उसको ऊपर, जितना प्रयोग उसको ऊपर, जितना कुल पर यानी कि 30,000 पर 20,000 कार का प्रयोग, तो 100 पर कितना, आप इसको इकाई यानी कह सकते हैं, एक एक नियम से भी इसको देख सकते थे, हम थोड़ा दिखा देंगे, अभी ये दिखा देंगे, इसको काट लीजिए, पहले इसको काट लीजिए, 4 0 कट गया, यानी कितना हुआ यानी 200/3%, यानी इसको लाइए दशमलव के रूप में, यानी कितना हुआ, 3 × 18 बचा गया 2, 3 × 18
यानी 3 × 6 = 18 6% हो जाएगा। यानी इतना प्रतिशत कुल महिला का 2012 में जितना महिला था उसका इतना प्रतिशत कार का प्रयोग किया गया। यानी कहने का मतलब यहाँ से अगर हम देखना चाहेंगे थोड़ा एक एक नियम पे, तो थोड़ा इसका और कैसे करेंगे हम एक एक नियम से थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे हम कहते हैं कि चूंकि टोटल महिला कितना था 30,000 प्रयोग कार कितना 20,000 प्रयोग कार 20,000 है। यानी कि 30,000 पर प्रयोग किया गया कार 20,000 है, तो एक पर कितना तो एक पर निकालने के लिए 20,000 के ऊपर इसको नीचे, और तो इसी पर 100 पर कितना, इसलिए 100 पर कितना, तो 100 पर निकालने के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। देखिए वही चीज़ नहीं आ गया, ऊपर वाला ही नहीं आ गया, यानी कि जितना कुल दिया रहेगा उसको नीचे, जितना यूज होगा उसको ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो आपने महिला द्वारा प्रयोग कार्य का प्रतिशत आपने ज्ञात कर लिया 66.66%। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता किस वर्ष पुरुष की जनसंख्या कारों की संख्या का अनुपात न्यूनतम था, किस वर्ष, यानी 11 से 16 तक वर्ष जो है उसमें किस वर्ष जो है जो कार और सॉरी पुरुष और कार की जो संख्या का अनुपात होगा वह कम होगा, किस वर्ष। तो हमने आपको पिछला सवाल में भी दिखाया जिसमें आपको अधिकतम पूछ रहा है, तो यहाँ न्यूनतम पूछ रहा है, तो यहाँ लेकिन महिला नहीं दिया गया है, कार दिया गया है, तो कार से अनुपात बनाएंगे हम लोग पुरुष के साथ। चलिए यहाँ से तो कहेंगे यहाँ से ग्राफ के अनुसार, ग्राफ के अकॉर्डिंग जिसे कह सकते हैं, ग्राफ के अनुसार पहले पुरुष है तो पुरुषों एवं कारों के बीच अनुपात, के बीच अनुपात पहले 2011 में देखेंगे, सबसे पहले 2011 में देखेंगे, तो 2011 में यहाँ देखिए ग्राफ में 2011 में कार की जो संख्या थी वह 30,000 थी और पुरुष की संख्या कितनी थी 50,000 थी। यानी पुरुष पहले है तो पुरुष के ऊपर 50,000 बट्टा 30,000 यानी कार 30,000 2011 में, पुरुष कितना 50,000 था, 50,000 बट्टा 30,000, चार ऊपर भी जीरो नीचा भी जीरो काट दीजिए, यहाँ से करिएगा दशमलव में के रूप में व्यक्त करिएगा तो कितना होगा, इससे काटिए इसको 5 को, यानी कि कहने का मतलब 3 × 5 = 3, 2 × 3 = 18, 3 × 6 = 18, 1.66 होगा। इसी प्रकार हम लोग 2012 में भी निकालेंगे ऐसे ही, तो पहले पुरुष को ऊपर रखना है तो पुरुष कितना है 2012 में, पुरुष हो गया सत्तर हज़ार और महिला कितना, सॉरी कार कितना है तो कार है पचास हज़ार, चार नीचा भी जीरो चार ऊपर भी जीरो काट दीजिए इसको, फिर 5 से 7 में भाग दीजिए, 5 × 5 = 5, 2 × 5 = 20। चलिए 2013 में पुरुष कार के बीच अनुपात जो होगा कितना होगा, 2013 में पुरुष की संख्या थी कितना 80,000 थी, 80,000 और कार है 60,000, यहाँ से चार जीरो ऊपर भी, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते 3 और इसको कर लेते 4, यानी इसको फिर भाग दीजिए 3 × 3, 1 बच गया, 3 × 3 = 9। चलिए इसी प्रकार 2014 में देखेंगे, 2014 में कितना था, 2014 यहाँ का ये 2014 में पुरुष की जनसंख्या कितना 85,000, पुरुष था 85,000 और कार कितना 2014 में, कार बीच वाला ग्राफ, यानी कार 75,000, नीचा 3 जीरो ऊपर 3 जीरो कट गया, इसको काट लीजिए 5 से, यानी 15 × 5 = 75 और 17 × 5 = 85, फिर भाग दे दीजिए इसमें 15 से 17 में, 15 × 15 = 2 बच गया, नहीं लगेगा दशमलव बैठा दीजिए, फिर 15 × 15 = 5 5 बच गया, 15 × 3 = 45, यानी 1.13। चलिए इसी प्रकार 15 का भी निकाल लीजिए, 2015 में पुरुष और कार के बीच अनुपात क्या होगा, 2015 का ग्राफ देखिए यहाँ पे 2015 में पुरुष कितना होगा ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, तो 2015 यानी कहने का मतलब 95,000 पुरुष होगा, 2015 में 95,000 कौन होगा, पुरुष होगा, और कार कितना होगा, कार यानी कार बीच वाला, तो कार भी उतना ही है, 2015 में भी 75,000 है, इसको काट दीजिए 3 ऊपर 19 से काटिएगा और इसको 15 से भाग दीजिए, इस कितना हो गया 15 × 15 = 4 बच गया ना, तो 15 × 3 = 45 में 15 × 2 = 30 10 बच गया, और 10
फिर 15/96 यानी 1.26। इसी प्रकार 2016 का निकाल लीजिए, 16 में कितना, यहाँ 16 आइए, यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले ऊपर पुरुष, तो पुरुष हो गया 100,000 यानी 1,00,000 बट्टा। और यहाँ पे देख लीजिए बीच वाला ग्राफ, यानी कि कार का यानी 90,000, 4 0 ऊपर 4 0 ऊपर काट दीजिए, बच गया 10/9 यानी कितना 1 पॉइंट, यानी एक बचा तो फिर एक, फिर एक बचेगा तो फिर एक, यानी अब ये सभी वर्ष में देखेंगे किसका अनुपात सबसे छोटा है, वही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 1.6 था, यहाँ 1.4, 1.3, 1.13, यहाँ पे 1.26, यहाँ पे 1.11, यानी इस दोनों में देखिएगा थोड़ा, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कहेंगे यहाँ देखिए इस, सॉरी इसमें, इसमें 1.1 यानी दशमलव के बाद 1 है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1, लेकिन दशमलव के जस्ट एक अंक के बाद 3 आ गया, यहाँ पर एक अंक के बाद 1 आया, यानी ये सबसे छोटा है। कहने का मतलब 2016 में जो पुरुष और कार का बीच जो अनुपात आएगा सबसे न्यूनतम होगा, यहाँ से लिख लीजिए, इसीलिए 2016 में पुरुषों एवं कारों के बीच अनुपात सबसे न्यूनतम होगा। चलिए इस सवाल को ऐसे बनाना है, हमने देख लिया, अगला सवाल देखेंगे। लास्ट सवाल आपका इस पे, इस घर, ये जो क्वेश्चन जो था उसका लास्ट सवाल था एफ नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, लास्ट सवाल है इस पर। चलिए हम लोग आपका लास्ट सवाल जो है वो सवाल देख लेते हैं इस ग्राफ पर, यानी कहने का मतलब कह रहा है आपका सवाल 2011 से 2016 तक शहर में कारों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सबसे पहले ग्राफ में हम लोग देखेंगे 2011 में कार की संख्या कितनी थी, तो यहाँ से देखेंगे ग्राफ के अनुसार 2011 में कार की कुल संख्या बराबर कितना था, यानी 2011 बीच वाला ग्राफ है, कार की संख्या बीच वाला ग्राफ, यानी 2011 में कार की संख्या कितना था, 30,000 और 2016 में कितना हो गया कार, 2016 में कारों की संख्या कितनी हो गई, कारों की कुल संख्या बराबर 2016 में कार की संख्या कितनी हो गई, यानी 16 यहाँ पर देखिएगा बीच वाला ग्राफ, यानी कि 90,000 हो गई। ठीक, तो आपने देखा कि 2011 से, कहेंगे यहाँ से 2011 से 16 तक कारों की संख्या में कुल वृद्धि कितनी की हुई, तो पहले था 30,000, अब 90,000 हो गया, टोटल वृद्धि तो 60,000 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कर लेते हैं हम ऐसे, यानी कि 90,000 2016 में हो गया और 11 में 30,000 था, तो कितना की वृद्धि हो गया, घटा लेंगे हम यहाँ से 90,000 में से 30,000 को, यानी कहेंगे टोटल 60,000 की वृद्धि हो गया, टोटल कितना भी हज़ार की वृद्धि, 60,000 की वृद्धि हो गई, यानी कि 11 से 16 तक 60,000 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे इसी प्रकार वृद्धि प्रतिशत, इसलिए यहाँ से कहेंगे हम वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, यानी हमको वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना था, वृद्धि किस पर, यानी मूल पर, जो पहले था जितना, तो मूल पर वृद्धि होता है, यानी वृद्धि प्रतिशत बराबर हम जानते हैं वृद्धि बट्टा मूल मान गुने सौ, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर कहेंगे वृद्धि कितना कभी, तो 60,000 की किस पर वृद्धि हुई है, किस पर, तो 30,000 पर वृद्धि हुई है, किस पर, 30,000 पर वृद्धि हुई है, तो 100 पर कितना, प्रतिशत के बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 पर कितना, तो 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में चेंज करने के लिए, यहाँ से 4 0 काटिए, इसको भी काटिए, 3 2 6 यानी कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, यानी 200% की वृद्धि हो गई, कितना परसेंट की वृद्धि होगी, 200% की वृद्धि हो गई। तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन आगे भी देखेंगे, हम एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ेंगे नहीं, बशर्ते आप मेरा वीडियो देखिए, स्टैट से आपको दिक्कत नहीं होगा, यह फुल गारंटी है, सर जैसे बताए, मैं क्लास लेता हूँ पटना में, तो मैं विद्यार्थी के सामने मुझे दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन लैब जो लेता हूँ उसमें मुझे अभी थोड़ा ही दिन हुआ है प्रैक्टिस में, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, मैं प्रयास करूँगा कि दिक्कतें नहीं आने दूँगा, आपको पूरी जानकारी दूँगा, ठीक है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद।